एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ भी नहीं है, ये भी सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, 4, 3, 7, 6, तो ये इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। क्या हमने बोला कि अगर किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, ठीक है ना। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म, क्लियर है। समझ लीजिए कि द प्लेस, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर, एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में हर एक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका जो सम है वही क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 5 × 10000 1 × 10000 10000, तो 5 × 10000 5 × 10000 1 × 10000 10000 प्लस 4 × 1000 1 × 100000 प्लस 3 × 100000 1 × 100000 प्लस 7 × 10000 प्लस 6, ये है। तो इसको हम लोग राइट आउट करेंगे तो क्या आएगा, 15000 प्लस 4000 प्लस 300000 प्लस 17000 प्लस 6, ये क्या है, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4376, ये है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से हम लोग राइट आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सक्सेसर, द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर एनी नंबर, गिवन नंबर कर सकते हैं, कोई नंबर दिया गया है, मान लीजिए कोई नंबर है 7, 2, 1, 4, 3, ठीक है ना, 1, 1, 4, 3, इसका सक्सेसर फाइंड करना है। मींस इसके जस्ट बाद जो नंबर होगा 7,21,143 के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वही सक्सेसर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट बाद वाले नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 7211144, इज द सक्सेसर ऑफ 7211143, क्लियर है। मींस अगर हमको सक्सेसर फाइंड करना होता है तो जो नंबर, जिस नंबर का हमें सक्सेसर फाइंड करना होता है उस नंबर में 1 हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर हमें प्रेडिसेसर, ये सक्सेसर की बात थी सक्सेसर, अब अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना हो, प्रेडिसेसर पी आर टी सी डबल एस वा प्रेडिसेसर ना सी डबल एस वा, अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना हो तो अगर जो नंबर दिया गया है 71414, इस नंबर के जस्ट जो पहले नंबर आएगा, नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, वो नंबर जो कि इस नंबर के जस्ट बिफोर हो, मतलब जस्ट पहले जो नंबर हो उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। वो प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा 71413 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ एनी नंबर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट 2 का हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए तो चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, जो अंडरलाइन डिजिट दिए गए हैं उनका फेस वैल्यू कितना है और प्लेस वैल्यू कितना है, 6927 27869, यहां पर 7 को अंडरलाइन किया गया है और 7 का फेस वैल्यू भी लिखना है और प्लेस वैल्यू भी, तो 7 का फेस वैल्यू होगा FACE फेस वैल्यू होगा 7, क्योंकि हमने बताया कि जिस डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करना होता है उसका फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है, मतलब किसी भी नंबर्स का अगर फेस वैल्यू फाइंड करना है तो उस डिजिट का फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होगा। तो 7 है, 7 का फेस वैल्यू खुद 7 होगा, ठीक है ना। और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, प्लेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 7 × 100000 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 7 × 7 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
5, 6 ये है। इसका अगर हमें फेस वैल्यू फाइंड करना है, इसमें हमें किसका फेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नंबर खुद ही हो जाएगा, फेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, फेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 6, एंड इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू 1 10 100 1000 10000 lakh 6 lakh
टेन करोड़ प्लेस टू टेन करोड़ पे है तो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़ पे है तो वन जीरो और होगा प्लस थ्री किस प्लेस पे है करोड़ प्लेस पे तो वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ सेवन किस प्लेस पे है लैक प्लेस पे वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक वन किस प्लेस पे है टेन थाउजेंड वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड थ्री किस प्लेस पे है थाउजेंड वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड सिक्स किस प्लेस पे है हंड्रेड वन टेन्स हंड्रेड ट्वेंटी प्लस यह सी डी नेक्स्ट है डी डी है आपका फाइव नाइन वन थ्री सॉरी फाइव नाइन वन फाइव थ्री सिक्स टू फोर टू यह आपको फाइव नाइन वन सिक्स फाइव नाइन वन फाइव थ्री सिक्स टू फोर टू एंड यू हैव टू राइट द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर बाय योरसेल्फ ठीक है ना आप लोगों को खुद से करना है नाउ हैव यू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द नंबर्स एज डायरेक्टेड ए क्या क्या नंबर दिया गया है टू सिक्स जीरो नाइन एट वन जीरो टू टू सिक्स वन फाइव एट वन जीरो ये नंबर है ठीक है ना आपको काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है थाउजेंड 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 करके ठीक है ना मीन्स ये नाइन थाउजेंड है तो नाइन थाउजेंड के बाद टेन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड आपको फिफ्टीन थाउजेंड का काउंटिंग करके राइट आउट करनी है कुछ करना नहीं है यहाँ नाइन है नाइन के बाद टेन होता है तो थ्री सिक्स टू सिक्स वन जीरो एट वन जीरो ये हो गया पहला नंबर ठीक है सेकेंड नंबर हो जाएगा टू सिक्स वन वन एट वन जीरो ये हो गया सेकेंड नंबर नेक्स्ट हो जाएगा टू सिक्स वन टू एट वन जीरो ये हो जाएगा थर्ड नंबर टू सिक्स वन थ्री एट वन जीरो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर नेक्स्ट है टू सिक्स वन फोर एट वन जीरो ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा और टू सिक्स वन फाइव एट वन जीरो होगा जो कि इसमें दिया हुआ है आपको क्या करना था हर एक नंबर में थाउजेंड प्लस करके राइट आउट करते जाना था थर्ड का बी है वन फाइव जीरो थ्री वन फाइव जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री सिक्स ये नंबर है और दूसरा नंबर है टू टू वन जीरो थ्री टू नाइन टू नाइन टू थ्री सिक्स ये दूसरा नंबर इसमें भी आप लोगों को क्या करना है काउंटिंग करना है करोड़ करोड़ एड करना है ठीक है ना ये फिफ्टीन करोड़ है फिफ्टीन करोड़ है सिक्सटीन करोड़ सेवेंटीन करोड़ एटीन करोड़ नाइनटीन करोड़ ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी वन करोड़ तक आप लोग को ऐड करके वन वन करोड़ ऐड करके ट्वेंटी वन करोड़ तक लिखना है तो फिफ्टीन करोड़ के बाद क्या होगा सिक्सटीन करोड़ तो सिक्सटीन जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री सिक्स सेवेंटीन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या सेवेंटीन जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री सिक्स सेवेंटीन के बाद क्या आएगा एटीन एटीन जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री सिक्स नेक्स्ट क्या होगा नाइनटीन जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री सिक्स ट्वेंटी जीरो थ्री ट्वेंटी जीरो थ्री टू नाइन टू थ्री देखिए यहाँ फिफ्टीन से स्टार्ट किया सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन करोड़ सेवेंटीन करोड़ एटीन करोड़ नाइनटीन करोड़ ट्वेंटी करोड़ बोला था कि आप लोगों को क्या करना है डायरेक्ट डायरेक्ट वन करोड़ एड करते जाना है और एड करके कहाँ तक लिखना है ट्वेंटी वन करोड़ तक लिखना है हमने राइट आउट कर दिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट द नंबर है डायरेक्टेड नंबर जस्ट आफ्टर ये नंबर दिया गया है फोर्थ का ए है वन थ्री टू फाइव वन थ्री टू फाइव नाइन 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 इसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा उसको आपको राइट आउट करना है ठीक है तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा वन थ्री टू फाइव नाइन 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 प्लस वन करेंगे क्योंकि हमने बोला था कि जस्ट बाद नंबर फाइंड करने का मतलब है
कि हम उसमें 1 ऐड करेंगे, मींस यू हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, सक्सेसर फाइंड करना है, सक्सेसर फाइंड करेंगे 0 0 0 0 6 2 1 1 3 1 3 2 6 0 0 0 ये हो गया। डी है आपका प्रेडेसेसर फाइंड करना है, डी में क्या फाइंड करना है, प्रेडेसेसर। क्या है आपका क्वेश्चन, 6 7 4 0 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
हमने बताया था कि जस्ट बिफोर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 0 में 1 सबट्रैक्ट करेंगे, 1 सबट्रैक्ट करने हो जाएगा 9 9 9 9 3 क्लियर, 6 7 6 7 6 ये हो जाएगा 6 7 6। इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ स्टेप पॉइंट 2। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू।